हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th में साइंस ऑप्ट की है। देखिए, वैसे तो 12th के बाद आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेंगी। आप चाहे तो बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, या इसके अलावा भी काफी सारी डिग्रीज रहती है। बट वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डिग्री की मैं बात करूं जो ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, वो है बीटेक। यानी मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग स्ट्रीम की, जो अपने आप में बहुत वास्ट है। इसके अंदर काफी सारी ट्रेड्स रहती हैं। अगर आप चाहें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कर सकते हैं, इसके अलावा सिविल, टेक्सटाइल, मैकेनिकल, तो ये काफी सारी इसमें ट्रेड्स रहती हैं। अभी डिपेंड करता है आप पर कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसी अकॉर्डिंग कि आपको बीटेक उस ट्रेड में करना है। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में सारी ट्रेड्स देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड्स अवेलेबल रहती हैं बीटेक में, इसके अलावा उनका क्या फ्यूचर है, क्या ग्रोथ है इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड में। हम कुछ कॉलेजेस भी देखेंगे जो इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड के अच्छे कॉलेजेस, जहां से अगर आपको बीटेक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए वहां से बीटेक। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कौन सा आपको एग्जाम देना होगा। तो ये सब आज हम बिल्कुल डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग बहुत ब्रॉड टर्म है, तो इसकी पहले बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग इज अ ब्रॉड टर्म दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रीज। क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्रीज है इंजीनियरिंग के, ठीक है, कवरिंग मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियर्स प्रोड्यूस क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड की हमारी प्रॉब्लम्स होती है, जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, उसका जो क्रिएटिव सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं। एज अ रिजल्ट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेड्स अवेलेबल। सो जैसे मैंने आपको बताया था, काफी सारी ट्रेड्स अवेलेबल रहती है, सो यू कैन परस्यू योर इंजीनियरिंग इन। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, यानी अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह पर काम करना बहुत पसंद है, तो आप कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, बीटेक आईटी में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर काम करना बहुत पसंद है, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल में बीटेक करें। मैकेनिकल फील्ड में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड अगर आपको पसंद है, तो आप इसमें बीटेक करें। अगर आपको एयरक्राफ्ट्स वगैरह बहुत पसंद है, उनकी डेवलपमेंट, तो आप एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस में जाएं। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल फील्ड भी देखिए बहुत अच्छी है, इसमें काफी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं इंडिया में एट प्रेजेंट बहुत ऑटोमोबाइल कंपनीज है, और एज वेल एज अब्रॉड में भी आप देख ही सकते हैं, तो इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, तो आप इसमें भी बीटेक कर सकते हैं। केमिकल फील्ड अगर आपको पसंद है, तो देखिए आप डेफिनेटली केमिकल टेक्नोलॉजी में बीटेक करें। इसके अलावा टेक्सटाइल फील्ड भी आप सभी जानते हैं, देखिए बहुत बड़ी इंडिया में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है और अब्रॉड में भी, तो आप टेक्सटाइल फील्ड में भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल में भी कर सकते हैं। सिविल में देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे रोड्स, ब्रिजेस, इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, वो देखिए सिविल इंजीनियरिंग में ही पढ़ाया जाता है। तो आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग पसंद है, तो आप इसमें भी अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन फील्ड देखिए, अगर आपको टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स पर काम करना अच्छा लगता है, तो आप इसमें बीटेक कर सकते हैं। मेटलर्जी में कर सकते हैं, देखिए मेटलर्जी बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ना पता हो, जो ओर होता है, ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो अगर आप उससे रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इस ट्रेड में भी बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए माइनिंग फील्ड है, पेट्रोकेमिकल, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन पढ़ाया जाता है, तो ये भी देखिए बहुत ग्रोथ ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा पेट्रोलियम या फूड टेक्नोलॉजी, देखिए काफी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है जो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर रखी है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद है, तो आप इनमें से वहां उसमें बीटेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये देखिए 4 साल का कोर्स होता है बीटेक, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से अपनी ट्रेड को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको 4 साल फिर उसी ट्रेड में पढ़ाई करनी है उसकी, तो आपको बहुत ध्यान से डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी फील्ड पसंद है, ताकि आप उसी में ही अपनी बीटेक करें। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, ट्रेड्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस की, अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन की, कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखिए एडमिशन टू वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइक आईआईटीज, जो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, इसके अलावा एनआईटीज एंड प्राइवेटली रन इंस्टीट्यूट्स इज जनरली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट और क्लास 12th। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें कितने नंबर आए हैं, और इसके अलावा क्लास 12th में आपने कितने नंबर सिक्योर किए, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मेजर एंट्रेंस टेस्ट की, जो कि कंडक्ट किए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स देते हैं, वो है JEE। इसमें देखिए 2 टाइप्स रहते हैं, पहला है मेंस और फिर आता है एडवांस।
देखिए मेंस आप सबसे पहले देंगे, उसके बाद अगर आप आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए फिर आपको एडवांस टेस्ट भी देना होगा, नहीं तो मेंस ही सफिशियंट है बाकी के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन के लिए, ठीक है। और देखिए आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स चाहिए होंगे 12th क्लास में अगर आप सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से जो है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स क्लास 12th में रिक्वायर्ड होंगे। तो आप देख सकते हैं देखिए 12th क्लास की भी बहुत इंपॉर्टेंस है 12th क्लास के मार्क्स की, तो आपको उसको भी इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जेडब्ल्यू की मैंने आपके साथ बात की, इसके अलावा जो एक एग्जाम होता है एंट्रेंस वो है बिट्स सेट का, जो कि बिट्स कंडक्ट करता है। बिट्स के देखिए चार कैंपसेस है इंडिया में, जो सबसे ज्यादा फेमस है जहाँ की बहुत अच्छी वो जाती है प्लेसमेंट भी, वो है बिट्स पिलानी। तो वही देखिए चार कैंपसेस को वो करता है, मैनेज करता है, और वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो है बिट सेट का। इसके अलावा वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है VIT EEE। तो इस भी एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा जो SRM यूनिवर्सिटी है वो भी देखिए अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है, SRM JEE, तो इसको भी दे सकते हैं। तो देखिए सारे अच्छे कॉलेजेस है, चाहे बिट्स की बात करें हम, VIT की बात करें या SRM की, तो JEE के अलावा इनका भी एंट्रेंस टेस्ट जरूर दे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इन टेस्ट्स को एग्जाम्स को देने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपके पास्ट क्लास 12th और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी तो देखिए आप क्लास 12th पास होने चाहिए या उसका इक्विवेलेंट, ठीक है। आप एक तो वो पास होने चाहिए, और आपके पास कौन से मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, वो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट। तो ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, और आप पास होने चाहिए क्लास 12th। तो ये तो देखिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपको आप अगर पास होंगे और आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट्स होंगे तो ही आप ये एंट्रेंस टेस्ट दे पाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात कर लेते हैं देखिए अगर आप इंडिया से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो टॉप इंजीनियरिंग के कॉलेजेस इंडिया में कौन से हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs, देखिए जो कि सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो ये देखिए सबसे ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही ड्रीम होता है IIT से पढ़ना। इसमें भी देखिए IIT अगर हम बात करें बॉम्बे की वो बहुत फेमस है, IIT दिल्ली बहुत फेमस है, खड़गपुर बहुत अच्छी है, रुड़की बहुत अच्छी है। तो अब खासकर ये IITs जो टॉप की है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही ड्रीम होता है कि वो IIT से पढ़े। और एट प्रेजेंट इंडिया में देखिए 23 IITs है, ठीक है। इसके अलावा NITs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी देखिए बहुत अच्छे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, जो कि एट प्रेजेंट 31 है। यहाँ की प्लेसमेंट भी देखिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो मैं आपको ये बता रहा था बिट्स की, तो इसके देखिए एट प्रेजेंट 4 कैंपसेस है इंडिया में, और ये भी देखिए बहुत अच्छे हैं, यहाँ की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जाती है। इसके अलावा देखिए आप वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी VIT से कर सकते हैं इंजीनियरिंग, जो कि अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो मैंने भी आपको बताया था VIT EEE। इसके अलावा SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो देखिए चेन्नई वाला कैंपस है ये भी बहुत अच्छा है, आप यहाँ से कर सकते हैं इंजीनियरिंग। इसके अलावा देखिए DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी देखिए वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज है, दिल्ली में देखिए है ये, और ये भी यहाँ से भी आपको अगर एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए थापड़, ये देखिए अपने आप में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए पटियाला में है ये इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मणिपाल में, ये सारे देखिए टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है इंडिया के। इसके अलावा भी देखिए कुछ है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर सारे लिस्ट कर दिए। अगर आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन मिलता है तो आप जरूर इंजीनियरिंग इन कॉलेजेस से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए हमने इंडिया की तो बात की, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो अब्रॉड से इंजीनियरिंग करें, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए उसके लिए आपको SAT एक एग्जाम होता है, वो है स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, वो आपको देना होगा। इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय द कॉलेज बोर्ड एंड इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग अब्रॉड से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, सेट का यानी स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो कि एडमिनिस्टर कौन करता है, कॉलेज बोर्ड करता है, ठीक है, ये आपको देखिए देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की आउटसाइड इंडिया, तो वो देखिए कौन कौन से है। एक तो देखिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप यहां से कर सकते हैं, स्टैनफोर्ड से कर सकते हैं, इसके अलावा MIT से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी या इंपीरियल कॉलेज लंदन का, ये देखिए सारे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आउटसाइड इंडिया के, आप यहाँ से जो है इंजीनियरिंग कर सकते हैं।
इसके लिए देखिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप आउटसाइड इंडिया इन कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये कॉलेजेस जो है पूरे वर्ल्ड लेवल के बच्चे इन यूनिवर्सिटीज से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बट एक बहुत टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, अगर आपको यहाँ एडमिशन हो जाता है तो देखिए 100% प्लेसमेंट और बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपको यहाँ से मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स की आफ्टर इंजीनियरिंग। देखिए हमने बात की कि इंजीनियरिंग की सारी ट्रेड्स डिस्कस की, इंडिया में आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, आउटसाइड इंडिया में कौन सा है, ठीक है एग्जाम, इसके अलावा कौन से टॉप के कॉलेजेस इंडिया और अब्रॉड में है। अब बात कर लेते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स की आफ्टर इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ज्यादा देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यही तो बात है अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद उसका करियर क्या है फ्यूचर, ठीक है, ग्रोथ उसकी कितनी है, तो ये इसके लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैव ऑलवेज बीन गुड, ठीक है, बहुत अच्छे देखिए आपके पास चांसेस हैं जॉब के इसके बाद इंजीनियरिंग के बाद। कैंडिडेट्स कैन आइदर जॉइन द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और द गवर्नमेंट, ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो देखिए इंजीनियर्स कैन अपियर फॉर द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये देखिए एग्जाम है जो कि कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ये बहुत ही देखिए टॉप लेवल का एग्जाम होता है जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर पाते हैं एट द नेशनल लेवल। तो देखिए नेशनल लेवल का ये एग्जाम है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो आप ये दे सकते हैं अगर आप खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, और ज्वाइन वेरियस डिपार्टमेंट्स एट द स्टेट लेवल थ्रू देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, जो स्टेट लेवल में जो भी वैकेंसीज रहती है उसके लिए जो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स वहां के जो कमीशंस होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, अब वहां से भी जो है उनका एग्जाम देके स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें आईटी कंपनीज की, देखिए टॉप आईटी कंपनीज में जैसे गूगल है, आप गूगल में काम कर सकते हैं अगर आपने आईटी सेक्टर में ग्रेजुएशन करी हुई है, बीटेक, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में एप्पल, आईबीएम, इंटेल, ठीक है, एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एटसेट्रा, ये देखिए आप सबने बहुत सारी कंपनीज का तो देखिए नाम सुना भी होगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सबका, तो ये टॉप की देखिए आईटी कंपनीज है, आप इनमें काम कर सकते हैं बीटेक के बाद। प्राइवेट सेक्टर देखिए जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आप इनमें काम कर सकते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, टाटा स्टील, एलएनटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, देखिए सारी टॉप की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है। अगर आपको यहाँ पे मिल जाती है जॉब, आप खुद भी सोच सकते हैं कितनी आपका अच्छा सैलरी पैकेज होगा और आगे का ग्रोथ भी आप एज्यूम कर सकते हैं आपका इंडिया में भी एज वेल एज अब्रॉड। अब बात करते हैं पीएसयू की, देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे आईओसीएल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये टॉप की पीएसयू है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वैसे इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये एचएएल, नालको, ये देखिए सारी टॉप की पीएसयू कंपनीज है, ये सारी गवर्नमेंट इनको एडमिनिस्टर करती है, तो आप यहाँ पर भी देखिए अगर आपको मिल जाते हैं जॉब तो देखिए वो भी आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज ये देंगी, ठीक है, टॉप के आप पीएसयू कंपनीज देख सकते हैं, आईओसीएल, ओएनजीसी, बीएचईएल, ठीक है, जो टॉप की पीएसयू कंपनीज है। एंड में देखिए अगर मैं बात करूं सैलरी पैकेज की, जो बहुत से स्टूडेंट्स ये सुनना चाहते हैं, तो एट प्रेजेंट अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको अराउंड 3-8 लाख पर एनम फॉर फ्रेशर मिल जाएगा, ठीक है, 3-4 लाख उनके लिए देखिए जिनकी इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से नहीं है या जिनके अच्छे ग्रेड्स नहीं उनको आए बीटेक करने के बाद, तो उनको 3-4 लाख मिल जाएगा। बट अगर आपने अच्छे तरीके से आपके अच्छे ग्रेड्स और आपका अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल रही है तो आपको 8 लाख से भी ऊपर मिल सकता है अगर आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है इंजीनियरिंग करने के बाद और काफी अच्छी इसकी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के बाद। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए जाएं, उसके लिए आपको देखिए स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं है कि आपको 12th में भी देखिए अच्छे नंबर लाने हैं, इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी आपको प्रिपरेशन 11th से ही करनी है, एटलीस्ट कम से कम 11th क्लास से आप स्टार्ट कर दें, जो भी आप 11th क्लास 12th क्लास के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो देखिए डिटेल्ड में जो है वो इन्हीं जेईई पेपर या जो बिटसेट वगैरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको 11th और 12th क्लास के सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, वो आपको 12th क्लास में तो हेल्प करेगा ही, इसके अलावा जो ये एंट्रेंस टेस्ट होते हैं इनमें भी इसी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली सिक्योर्ड है, ठीक है। तो आज मैंने बात की आपके साथ इंजीनियरिंग की, इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे
किसी और अगर आप फॉर एग्जाम्पल बीसीए की बात करूंगा मैं, फिर देन बीएससी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के लिए देखिए इतना ही, आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें 11th एंड 12th क्लास में भी, और उसके बाद अच्छे तरीके से एंट्रेंस टेस्ट दें। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।